कुछ लोगों ने जिस तरह से इस देश को एक मजाक बना दिया था, तो इस तरह की वारदातें फिर से ना हो इस देश में। एक देशभक्ति की और देश प्रेम की भावना से ये फिल्म बनी है। हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है और वेरी इनग्लोरियस चीज़ें उसमें जो हुई है उसको दर्शाती हुई एक फिल्म है। तो इसीलिए कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, जिन लोगों को जो है ये इस फिल्म से शायद उनके पर्दे फाश होंगे तो मिर्ची तो लगेगी। वो फॉरेन जाते हैं तो किस तरह के देश को लेके किस तरह की वो बातें करते हैं, आपने वो भी देखा हुआ है, तो क्या उनको देश को लेके उनकी क्या भावनाएं हैं, वो किससे छुपी हैं? वो तो अपनी सत्ता के लिए देश के टुकड़े करने से नहीं वो हिचकिचाते हैं। ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, वोट बैंक बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो इनके लिए एक लोकल्स ने ही चीज़ें अपने हाथ में लिया लगता है, राज्य सरकार तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर नकम्मी बैठी हुई है। उम्मीद यही है कि जो हमारी फिल्म संविधान को लेकर एक फिल्म बनाई है, देशभक्ति को लेकर एक फिल्म बनाई है और कुछ लोगों ने जिस तरह से इस देश को एक मजाक बना दिया था, तो इस तरह की वारदातें फिर से ना हो इस देश में। एक देशभक्ति की और देश प्रेम की भावना से ये फिल्म बनी है इस फिल्म पे, और हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है और वेरी इनग्लोरियस चीज़ें उसमें जो हुई है उसको दर्शाती हुई एक फिल्म है। तो इसीलिए कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, जिन लोगों को जो है ये इस फिल्म से शायद उनके पर्दे फाश होंगे तो मिर्ची तो लगेगी। अब मुझे तो लगता है विपक्ष वाले, अब देखिए जिस तरह से अभी भी आप राहुल गांधी जी फॉरेन जाते हैं, उनको कुछ लोगों को जो है वो यूज़ किया जा रहा है इसमें भड़काया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, फ्रिंज ग्रुप्स को जो है इंस्टिगेट किया जा रहा है, और आप जानते हैं किस तरह से ये सब चीज़ें वर्क करती हैं। तो अभी भी वो फॉरेन जाते हैं तो किस तरह के देश को लेके किस तरह की वो बातें करते हैं, आपने वो भी देखा हुआ है, तो क्या उनको देश को लेके उनकी क्या भावनाएं हैं, वो किससे छुपी हैं? वो तो अपनी सत्ता के लिए देश के टुकड़े करने से नहीं वो हिचकिचाते हैं, तो ये आप जानते हैं कि उनकी क्या भावना है। हमारे देश में जो क्राइसिस हैं, जो मैंने हमेशा से ही कहा है कि जो रिफ्यूजीज़ का जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो बाहर से जो लोग आते हैं, और अगर आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए या आपको किसी तरह का आइडेंटिटी चाहिए तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन मैं भी जानती हूँ यहाँ पे लोग जो हैं फेक नाम यूज़ करके, फेक जो है गलत दूसरे धर्म के नामों पर जो है व्यवसाय चलाकर जो हैं, और जिस तरह से लोकल्स की जो सिक्योरिटी को भी हार्म है, उनकी जो है पूरे जो प्रदेश है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और इन चीज़ों को आप जानते हैं, ये भी पॉलिटिकल गेन के लिए ये चीज़ें की जाती हैं, वोट बैंक बनाने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो इनके लिए एक लोकल्स ने ही चीज़ें अपने हाथ में लिया लगता है, राज्य सरकार तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर नकम्मी बैठी हुई है। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।